नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे चैनल बीएड पे। आज हम बात करने वाले हैं द पर्ल ऑफ अरेबियन सी वारकला के बारे में। वारकला एकमात्र ऐसा बीच है जो कि क्लिफ पे मौजूद है। यहाँ पे रेड स्टोन्स और फाइन सैंड्स पाए जाते हैं। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, वारकला के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे बैकपैकर्स विजिट करने लगे हैं और पॉपुलर हो गया है। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वारकला के बारे में। आइटिनरी के साथ साथ हम बजट भी डिस्कस करने वाले हैं। डे वन में क्या देखना, डे टू में क्या और डे थ्री में क्या। वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि आपको बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है। वारकला एक बीच टाउन है जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वारकला एक रिलीजियस सेंटर है। वारकला जाने के लिए बेस्ट टाइम नवंबर से लेकर फरवरी तक है और आपको वारकला एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट 3 दिन चाहिए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वारकला से 52 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ से ट्रैवल करो। और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट वेल कनेक्टेड है बाकी सारे मेजर इंडियन एयरपोर्ट से, और त्रिवेंद्रम से आप टैक्सी लेकर वारकला आ सकते हो। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो वारकला शिवागिरी स्टेशन के टिकट्स बुक कर लो, विच इज़ अगेन वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम ऑल मेजर सिटीज़। वारकला में आपको सब तरह के अकोमोडेशंस मिलेंगे, जैसे कि बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स, होटल्स और लग्जरी रिसॉर्ट्स एंड होमस्टेज। ये है कुछ बीएड रिकमेंडेशन। हॉस्टल्स में जॉस्टल वारकला, वर्व हॉस्टल वारकला, पिगी हॉस्टल वारकला। बजट होटल्स में बाम्बू विलेज एंड मेनी ऑन नॉर्थ क्लिफ। लग्जरी हॉस्टल क्लिफ स्टोरेज, सोल एंड सर्फ। अब देखते हैं वारकला कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। वारकला में घूमने के लिए आप बाइक रेंट कर सकते हो, जो कि 400 रुपीज़ पर डे मिलेंगे, या आप ऑटो से कम्यूट कर सकते हो, पर मेरी माने बाइक ही बेस्ट है। पहले दिन आप क्लिफ एरिया और वारकला बीच एक्सप्लोर कर लो। क्लिफ से बीच के वो नज़ारे आपको हैरान कर देंगे। क्लिफ जब आप देखोगे तब आपको गोल्डन सैंड और प्रिंस्टन ब्लू वाटर्स दिखेंगे। क्लिफ पे आपको बहुत सारे कैफेज और स्मॉल शॉप मिलेंगे जहाँ कुछ हिप्पी स्टफ आप खरीद सकते हो। वारकला बीच जाके आप सी वेव्स का लुक उठा सकते हो। वारकला बीच एक्सप्लोर करने के बाद आप कुछ 15 मिनट्स की वॉक करके ब्लैक बीच आ सकते हो, जहाँ आपको कोई क्राउड नहीं मिलेगा और आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो आपके लव वंस के साथ। ये बीच ब्लैक सैंड का है, इसलिए इसे ब्लैक सैंड बीच कहा जाता है। आप इसे देखकर हैरान रह जाओगे। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हो तो आप कपिल बीच जाओ। कपिल बीच थोड़ा वारकला से 8 किलोमीटर दूर है। आपको 20 मिनट्स लगेगा स्कूटर पे जाने के लिए। कपिल बीच थोड़ा कमर्शियल बीच है और यह आपको बहुत सारे लोकल्स मिल सकते हैं। अगर आप ब्लैक बीच से और आगे नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको ओडैम बीच मिलेगा, जहां आप सनसेट होते हुए नेचर को एडमायर कर सकते हो। द स्काई विल बी फिल्ड फुल ऑफ कलर्स सो एज योर लाइफ। सनसेट देखने के बाद आप अपने होटल आके अमेजिंग सा फूड खाके क्लिफ पे घूमने जाओ। मानो क्लिफ आपको कोई यूरोपियन सिटी जैसे सैंटोरिनी से कम नहीं लगेगा, और समंदर की ताजी ताजी हवाएं आपको वहां से जाने नहीं देंगे। अगले दिन आप सुबह जल्दी उठ के योगा क्लास ले सकते हो, जो कि आपके हॉस्टल्स में ऑर्गेनाइज होगा। उसके बाद आप गोल्डन आइलैंड, जिसे पोनमथुरुतो आइलैंड भी कहा जाता है, वहाँ विजिट करो, जो कि वारकला से 10 किलोमीटर दूर है। और यह आइलैंड अंजेंगो बैकवाटर्स के बीच में स्थित है। उस आइलैंड पर एक शिवा पार्वती की टेम्पल भी है, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। गोल्डन आइलैंड पे जाने के लिए आपको 100-200 चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आप अंजेंगो लाइट हाउस और अंजेंगो फोर्ट विजिट करो। डे थ्री को आप जटाई अर्थ सेंटर या मुंद्रो आइलैंड विजिट करो। जटाई अर्थ सेंटर एक लार्जेस्ट फंक्शनल बर्ड स्टैचू है, जो कि 200 फीट लंबा और 70 फीट ऊंचा है, और ये सेंटर हिलटॉप पे है। जटाई अर्थ सेंटर कोलम में है, जो कि वारकला से 35 किलोमीटर है, और आपको 1 घंटा लग सकता है जटाई अर्थ सेंटर पर जाने के लिए। कुछ ऑप्शनल थिंग्स जो कि आपका मन हो तो आप वारकला में कर सकते हो। अगर आप और दिन के लिए हो तो आप कुछ और थिंग्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पैराग्लाइडिंग। इमेजिन करो कि आप एक क्लिफ पे से उड़ रहे हो। आपको सी का बहुत ही शानदार व्यू मिलेगा वारकला हेलीपैड से। पैराग्लाइडिंग आपको 3,000 से 4,000 रुपीज कॉस्ट करेगा फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। सर्फिंग, अपने वारकला में सर्फिंग के लेसन भी लेने चाहिए। आजकल इंडिया में भी सर्फिंग जैसे एक्टिविटीज पॉपुलर हो रहे हैं। वारकला के वेव्स बहुत सही है बिगिनर्स के लिए और एक्सपीरियंस्ड सर्फर्स के लिए भी। योगा लेसन, जैसे नॉर्थ में ऋषिकेश एक योगा हब है, वैसे साउथ में केरला है।
यहाँ आप योगा लेसन्स ले सकते हो जो कि आपको 200 रुपीज पर आवर कॉस्ट करेगा। वारकला हेवन है खाने के मामले में और यहाँ आपको लोकल फूड से लेकर इंटरनेशनल क्यूजिन सब खाने के लिए मिलेगा। बियर्ड रिकमेंडेशन, नोमैड कैफे, दार्जिलिंग कैफे, कॉफी टेम्पल, कैफे डेल मार, ये सब कैफेज नॉर्थ क्लिफ पे लोकेटेड है। जैसे कि आपको पहले कहा था, नॉर्थ क्लिफ वारकला पे यूरोपियन वाइब आती है। इन सब कैफेज में आपको बेहतरीन एम्बियंस के साथ अच्छा खाना भी मिलेगा। अभा रेस्टोरेंट लंच और डिनर के लिए सोल एंड सर्फ, सुब्रभतम, श्री पद्मन, लोकल फूड और साउथ इंडियन फूड ट्राई करने के लिए आप इन रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो। अब बजट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वैसे हॉस्टल की प्राइस 250 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, लेकिन हम एवरेज 400 पकड़ रहे हैं, तो हॉस्टल के आपको 3 डेज के अराउंड 1200 रुपीज़ लगेंगे। आप hostel.com पर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाइक के आपको एवरेजली 3 डेज के 900 to 1000 लग जाएंगे पर पर्सन। हाँ, खाना पीना सब आराम से 1500 से लेकर 2000 तक हो जाएगा। दोस्तों, आप 4000 में आराम से घूम सकते हो वारकला में, कोई टेंशन नहीं, मस्त ट्रिप होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। कुछ टिप्स है हमारी तरफ से। वारकला क्लिफ से एटीएम बहुत दूर है, आप अपने पास कैश रखे अच्छा होगा। डोंट फॉरगेट सनस्क्रीन एंड फ्लिप फ्लॉप और आपके हैट अगर आपको अच्छे इंस्टाग्राम्स के लिए पिक्स चाहिए हो तो। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिए। अगला वीडियो कौन से ट्रैवल डेस्टिनेशन पर चाहिए वो बता दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को और फैमिली के मेंबर्स को शेयर कीजिए ताकि आपकी एक बजट फ्रेंडली वारकला ट्रिप हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।